नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युगचर में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन ने कुछ समय पहले 3,800 से ज्यादा पदों पर भर्तियों का विज्ञापन प्रकाशित किया था। इनके लिए रजिस्ट्रेशन लिंक 12 सितंबर से एक्टिव होगा। उम्मीदवार UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 अक्टूबर है। वहीं फीस जमा कराने की लास्ट डेट 10 अक्टूबर 2023 है। इस रिक्रूटमेंट के माध्यम से कुल 3,831 पद भरे जाएंगे। इसमें जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क और असिस्टेंट लेवल 2 के पद शामिल हैं। वो कैंडिडेट्स जिन्होंने UPSSC प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है, सिर्फ वो ही आवेदन कर सकते हैं। PET पास होना पहली शर्त है, उसके बाद कई और लेवल के एग्जाम होंगे। इन सभी को पास करने वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ही फाइनल होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 9 सितंबर को होने वाली G20 नेताओं की डिनर में नहीं बुलाया गया है। ये डिनर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देगी। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा, ये केवल वही हो सकता है जहाँ कोई लोकतंत्र नहीं हो। चिदम्बरम ने कहा, मुझे मीडिया के जरिए ये जानकारी मिली कि G20 में राष्ट्रपति के द्वारा आयोजित नेताओं की डिनर में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया है। अभी ऐसी स्थिति नहीं है जहां लोकतंत्र और विपक्ष का अस्तित्व खत्म हो जाए। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति के डिनर पार्टी में नहीं बुलाने पर प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें केंद्र लेवल की राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये अच्छा नहीं है। 8 सितंबर को राहुल गांधी ने ब्रुसेल्स में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खड़गे को न बुलाए जाने पर केंद्र सरकार की आलोचना की थी। राहुल ने कहा था कि उन्होंने विपक्ष के नेता को आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया है। यह आपको बताता है कि भारत की 60% आबादी के नेता को महत्व नहीं देते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है और इसके पीछे किस प्रकार की सोच है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की तस्वीर खींची है। इसरो ने शनिवार को इस तस्वीर को शेयर किया। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर पर लगे ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिनेटिक ने विक्रम लैंडर की फोटो को 6 सितंबर को कैप्चर की थी। इसके पहले 27 अगस्त को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर की तस्वीर कैप्चर की थी। नासा ने 6 सितंबर को ये फोटो शेयर की थी। नासा ने एक्स पोस्ट में लिखा था, एलआरओ ने चांद की सतह पर मौजूद चंद्रयान 3 के लैंडर की सैटेलाइट तस्वीर ली। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने जो तस्वीर खींची है उसमें विक्रम लैंडर बहुत ही छोटा और गोल्डन कलर का दिखाई दे रहा है। चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 के जरिए इसरो ने चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग का पहला प्रयास किया था। इस मिशन में अंत तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन लैंडिंग से महज 500 मीटर पहले लैंडर से संपर्क टूट गया। प्रतापगढ़ जिले के जंगल में शिकार करने गया एक युवक पिछले 7 दिन से गुफा में फंसा हुआ है। ये युवक रविवार को अपने दोस्तों के साथ सीही का शिकार करने जंगल में गया था। उसे एक गुफा दिखी जिसमें वो घुस गया और 7 दिन से वो बाहर नहीं निकल पाया है। जिला प्रशासन युवक को ढूंढने के लिए 3 दिन से रेस्क्यू कर रहा है। युवक की शनिवार सुबह तक गुफा के अंदर से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तेज बरसात के बीच भी रेस्क्यू टीम बचाव कार्य में जुटी रही। बता दें कि रविवार को दोपहर 1 बजे थाना क्षेत्र की कर्णपुर कला ग्राम पंचायत में कंबोलिया गांव निवासी रामलाल मीणा, पीलीखेड़ा गांव के गुड्डू मीणा और चांदमल मीणा के साथ काकरा गांव के जंगल में सिंह का शिकार करने निकला था। गुड्डू मीणा के मुताबिक जंगल में करीब 20-25 मिनट चलने के बाद उन्हें एक पहाड़ी में गुफा दिखी। रामलाल गुफा के अंदर चला गया। रामलाल की गुफा में जाने के 3-4 मिनट बाद जोर जोर से चीखे सुनाई दी। रामलाल गालियां दे रहा था। 20-25 मिनट बाद आवाज बंद हो गई। उसके बाद बाहर खड़े चांदमल और गुड्डू ने रामलाल को बाहर निकलने के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दोनों रात 8 बजे तक रामलाल के गुफा से बाहर आने का इंतजार करते रहे। अगले दिन सोमवार सुबह 10 बजे रामलाल का भाई चुन्नीलाल, भैरूलाल, हीरालाल सहित दर्जन भर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पहले तो लोगों ने अपने स्तर पर रामलाल को बाहर निकालने की कोशिश की। बुधवार शाम तक गांव के लोगों ने प्रशासन को बिना बताए रामलाल को निकालने के तरह तरह प्रयास किए। बुधवार देर शाम प्रशासन को इस बारे में सूचना मिली। मौके पर
प्रतापगढ़ एसपी अमित कुमार, कलेक्ट्रेट इंद्रजीत सिंह यादव सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पहले तो प्रशासन ने भी अपने स्तर पर रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इसके बाद प्रशासन की ओर से उदयपुर से एसटीआरएफ और जयपुर से स्पेशल मौके पर मौजूद टीम की तरफ से गुफा के अंदर कैमरा भी भेजा गया, लेकिन कैमरा 50 फीट से आगे तक नहीं पहुंच पाया। इंटरनेट नेटवर्क से दूर बारिश के बीच घने जंगलों में 72 घंटे के रेस्क्यू के बाद प्रशासन भी अब थक चुका है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा माइंस विभाग से भी मदद मांगी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। अब प्रशासन ने एनडीआरएफ से मदद मांगी है। शनिवार शाम तक बयोदरा से टीम मौके पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा विरोधी राजनीतिक दल सनातन को गाली दे रहे हैं, उनसे दूसरी उम्मीद भी क्या की जा सकती है। हमारा सनातन सबको जोड़ने और सबकी रक्षा करने वाला है। उदयपुर में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीपी जोशी ने कहा कि इंडिया अलायंस में एक भी नेता ने सनातन विरोधी बयान की निंदा नहीं की, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी कुशासन को मिटाने के संकल्प के साथ राजस्थान की चारों दिशाओं तक परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा राजस्थान में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का सबसे मजबूत कारण बनेगी। उन्होंने गहलोत सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार की लाल डायरी से नींद हराम हो गई है। पेपर लीक का अड्डा बन चुका आरपीएससी में करोड़ों रुपए देकर सदस्य बनाए गए और वहां से पेपर लीक हुआ, तब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जरोली ने साफ कर दिया था कि पेपर लीक के तार कांग्रेस के बड़े नेताओं से जुड़े हुए हैं, जिन्हें बचाया जा रहा है। छोटे आरोपी तो केवल मोहरा है। इस दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल, चुन्नीलाल गरासिया, संभाग प्रभारी प्रमोद सामर, उदयपुर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, उदयपुर देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान, विधायक फूल सिंह मीणा, उप महापौर पारस सिंह भी, राष्ट्रीय परिषद सदस्य ताराचंद जैन, नगर निकाय प्रकोष्ठ के संभागीय संयोजक नानालाल वया, यात्रा मीडिया के प्रमुख कविराज सेठी, चंचल कुमार अग्रवाल आदि मौजूद रहे। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।